Assalamu alaikum, this is Shaista Lodhi and you're watching Rewind with Samina Peerzada. Please subscribe and like this channel. जब पहले पैसे मिले थे तो क्या किया था आपने? पहले अम्मी के लिए कुछ लाए थे या दादी के लिए? सबके लिए. फर्स्ट मुझे आज तक सैलरी याद है एफएम 100 की 9400-9500. अच्छा. और मुझे लगा था पता नहीं कितने पैसे आ गए, मेरे अपने पैसे हैं. और उसके बाद फिर मैं सबके लिए गिफ्ट्स लाई थी. और अब उन ज़माने में ना मैं हाउस जॉब के, मुझे नहीं पता आप डॉक्टर्स को कितने मिल रहे हैं, मगर मुझे अपनी याद है फर्स्ट पे 4400 समथिंग मिलते थे. तो जब वो आती थी तो हम कहते थे कि इतने के तो बच्चों के डायपर्स भी नहीं आते थे उस ज़माने. तो वो लेकिन फिर एफएम 100 शुरू किया, चीज़ें होती गई बेहतर. आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा वो था मुझे, मुझे मुझे जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदार बच्चा थी बहुत. और मुझे जैसे मेरे, मुझे एक बुक लेनी थी जब मैं मेरी तो स्कूल में थी, तो 5000 उसकी कीमत होगी. और मेरे ना, मैं कह, मुझे अब्बा को बोलते हुए अजीब लगता था. मैं कहती थी, मैं शर्माती थी, मैं इतनी महंगी बुक उनसे बोलूँ कि मुझे ला के दें. और मैंने कितने दिन, मेरा ख्याल 2 या 3 महीने मैंने उस बुक के बगैर गुजारा, क्योंकि मेरे मुंह से इधर आता ही नहीं था अब्बा मुझे ये ज़रूरत है. और फिर खैर ज़ाहिर है उन्होंने दिलवाई, उन्होंने दिलवानी थी. मैं बता रही हूँ आपको, आप बदले हो इतनी फेम के बाद, इतनी इंडिपेंडेंस के बाद, आप बदले हो. अब आप बर्मला कह देते हो बिना झिझक कि मुझे ये चाहिए. किस सेंस में बदलना कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे मेरी नीड है? नहीं कह, अभी भी नहीं कह पाते. मैं अपने बच्चों से भी नहीं बोल पाती कि मुझे खाद क्यों शायस्ता. क्योंकि जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं औरत जब, तो सबसे पहले तो यही है ना कि औरत को कहना आ जाता अच्छा, है. मैं बहुत सारी चीज़ मैं आपके लिए बोल दूंगी, 10 दफ़ा बोल दूंगी, मगर अगर मुझे कोई चीज़ अपने लिए चाहिए ना, तो मुझे लगता है मैं बोल के इनको खुद एहसास होना चाहिए ना. तो वो मैं इसी का इंतज़ार करती रहती हूँ कि एहसास होगा. तो इसमें वक्त ज़ाया हो जाता. नहीं, फिर मैं कहती हूँ ठीक है, अब तो मैं इस चीज़ के साथ एडजस्ट कर गई. कहती हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं वेट कर लेती हूँ, अब मुझे इंतज़ार करना अच्छा लगता है. अच्छा, तो अब क्या क्या चाहिए? अब लाइफ, अपने आप से क्या चाहिए, लाइफ से क्या चाहिए? इतना कुछ तो मिल गया है, इतना कुछ मिल गया, अब और क्या चाहिए? बच्चे, हस्बैंड, रिश्ते. और मैंने जिनकी, मैंने कहा ना, मैं बहुत, मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही बेसिक हैं. तो मुझे, मैंने रिश्तों पे बहुत इन्वेस्ट किया, मैंने रिश्तों पे इन्वेस्ट किया. मुझे बहुत अच्छा लगता है सैटरडे, क्योंकि मेरे भाई अगर नहीं जाते ऑफिस, तो मैं, मुझे होता है कि अभी वो ऊपर से आएंगे और मैं और ये चाय का कप अपने साथ, और हम अपने बचपन की भी बातें करेंगे, और अब्बा अम्मा की चुपके चुपके कुछ और बात करनी हो तो तब भी करेंगे. तो मुझे 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 अपने लोगों के साथ बैठना, पता नहीं, मुझे बस, मेरे बहुत लिमिटेड लोग हैं ना, मेरी फैमिली है, मेरे 2-3 दोस्त हैं, मुझे इनके साथ रहना, इनके साथ टाइम गुजारना, मुझे अपने इस सर्कल में ना कोई नया आदमी या नया रिश्ता लाना मुझे बोझ लगता है. मुझे लगता है नहीं, मैं इंसाफ नहीं कर पाऊँगी जो लोग मेरे पास ऑलरेडी हैं. मैं उनसे इंसाफ कर लूँ, मैं उन्हीं देख लूँ, मैं उनका ख्याल रख लूँ, ऐसा ना हो कि मेरे से. तो मैं बहुत, मैं दोस्त नहीं बनाती अब. मुझे नए दोस्त बनाने से डर नहीं लगता, डर बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन इन्वेस्ट करना पड़ता है ना दोस्ती में. लेकिन मुझे लगता है मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ उन पुराने लोगों के साथ. मेरे जो दोस्त हैं उनकी गलत बातें भी मुझे पता है, मेरी भी गलत चीज़ें उन्हें पता है, मगर फिर हम फिर भी मजबूर हैं ना, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम फिर साथ बैठते हैं. अच्छा, ये चाय का रिचुअल जो है, ये ज़िंदगी में इतना सेंटर स्टेज क्यों है? क्या प्रोसेस अच्छा लगता है कि चाय पूरी दम दी जाएगी, वो तरीका, वो जो पुराने ज़माने का जी, था जी, जी, वो टिकोजी से ढकना, इंतज़ार करना, ये सारा प्रोसेस अच्छा लगता है, यह सबका बैठना और फिर बातें करना, ये अच्छा? मेन तो यही है कि सबका बैठना साथ और बात करना, वो कितनी पे, मुझे लगता है हम इतने मसरूफ़ हैं, इतने मसरूफ़ हैं कि अगर मैं आपसे बात भी करूँ तो मैं आपको पूरी तरह मैं फील ही नहीं कर पाती, क्योंकि मैं एक जल्दी में हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ और आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे, ओ इसके बाद मुझे फ्लाइट कैच करनी है, मुझे होटल जाना है, चेंज करना, मतलब
मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं हम कि हम उस वक्त की ब्यूटी को फील ही नहीं कर पाते, उस लम्हे की को नहीं गुजार पाते, वो लम्हा जी नहीं पाते, इसीलिए हम लोग ज़िंदगी जीते नहीं हैं, गुजारते हैं। शाइस्ता, जब आप इस सारे टर्मोइल से गुजर रही थी, तब बड़ा आपने डिसीजन लिया कि आप एक सिंगल पेरेंट होंगी, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और आप एक रिलेशन से बाहर आएंगी। आपको नहीं पता आगे क्या था, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है और बहुत ट्रॉमेटिक होता है। आपने किस तरह आपने आपको संभाला था? आई थिंक मैं बच्चों के सामने तो मुझे जाहिर है बहुत स्ट्रांग बनना था। मैं स्ट्रांग रही भी थी लेकिन मैं बहुत दफ़ा थक भी जाती थी। इस सारे अरसे में जब मैं सिंगल रही हूँ अपनी सेपरेशन के बाद, तो मुझे बार बार ये ख्याल आता था कि मुझे अगर इतनी बड़ी बैटल लड़नी थी तो फिर तो इससे बेहतर था, फ्रेंकली बिल्कुल मुझे ख्याल आता था कि मुझे इतनी बड़ी सोसाइटी से, बिकॉज मैं तो इतनी एक्सपोज थी ना स्क्रीन पे, सुबह दो घंटे आ रही हूँ, रात को रिपीट में दो घंटे ढाई घंटे लग रही हूँ, तो मेरे बारे में तो सामने वाले के पास लाइसेंस है, वो कुछ भी और हर्ट करता है। मैं वो नहीं हूँ, मैं कहूँ मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, मुझे दूसरों का कोई कमेंट अपने ऊपर बुरा नहीं लगता, मैं नहीं मुझे डर महसूस होता है, मुझे हर्ट होता है। और तो मुझे वो चीज़ें सुन के इतनी तकलीफ़ होती थी, जिस पर कि एक तकलीफ़ मुझे ये थी कि मेरी अम्मा ने हमेशा से ये कहती थी कि उनको भी बहुत बड़ी प्राइवेट किस्म की है, उनको ये होता है कि हम अपनी वो अभी वही तस्वीरें नहीं डालो, बच्चों की नहीं डालो, ये नहीं करो, ये क्यों करते हो तुम लोग, तुम्हारा अगर होस्टिंग है तो तुम बस वही चीज़ें करो, अगर तुम्हें सोशल मीडिया की ये जो अपॉर्चुनिटी अवेल भी करनी है अपनी चीज़ें ना करो। तो वो एक्चुअली कहती बिल्कुल सही हैं, गलत नहीं कहती वो, हमने अपनी चीज़ें मुझे नहीं पता क्यों करते हैं हम, आई थिंक वो सेलिब्रिटी सो कॉल्ड। सो कहाँ पे आप समझते हैं कि ये आपकी प्राइवेट हद है? जैसे मैं कहती हूँ कि जहाँ से दूसरे की हद शुरू होती है वहाँ पे मेरी ख़त्म होती है, और ये प्राइवेसी जो है, जो इसकी इज्जत करना, इसको समझना मुश्किल तो उस वक्त है ना कि ये तो लिमिट अगर मैं तय भी कर लूँ लेकिन सामने वाला तो नहीं करेगा। सामने वाला नहीं करेगा और आप फिर मजबूर हो जाते हैं या जवाब देने के कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव व्हाटएवर, बट आपको एक अगर सामने से एक्शन आ रहा है तो आपको रिएक्शन या आप देते हैं या आप सब्र करके चुप करके हो जाते हैं। मैंने तो चुप करना आई एम श्योर मेरे सारे साथियों ने भी सीख ही लिया होगा, सीखा है, अभी भी नहीं सीखा मैंने तो। आप तनकीद को कैसे लेते हो? तनकीद तो बिल्कुल ठीक है, तनकीद तो बल्कि मैं बहुत सुनती हूँ, उसको वैल्यू भी करती हूँ, क्योंकि ये तनकीद ही तो मुझे और आपको हमें बेहतर कर सकती है ना, हमें पता चलता है कि अच्छा मैं गलत ये बोली थी, ये तलफ़ुज़ मेरा यहाँ ठीक नहीं था, ये चीज़ मैंने हवाला ये रेफरेंस गलत दे दिया, या यहाँ मैंने बहुत लाउड बोल दिया जबकि मुझे नीचे बोलना चाहिए था, या मैंने ज़्यादा बोल दिया। ये कब एहसास हुआ था कि ये काम बहुत जिम्मेदारी का है, फ्रिवलस नहीं आप कुछ नहीं भी नहीं, है ना, ये कब हुआ था? कोई ऐसा इंसिडेंट था जिसमें आपको लगा? जी आई थिंक 2014 के बाद देर में लगा, लेकिन लगा कि ये तो बहुत जिम्मेदारी का काम है, ये क्या हुआ, ये तो बहुत जिम्मेदारी का काम है और तो बड़ी नाजुक जॉब है। और वो आपको उसने बिल्कुल बदल दिया 2014 के बाद। तो क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ जो एंकर पर्सन या होस्ट है उसकी है, या उसकी पूरी टीम भी तो पीछे है ना जो आपको बता रही है, जैसे आपका बिल्कुल, आपका जो वो जो टॉक बैक है या जो भी वो जो उस पे से जो आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो कितना मुश्किल होता है जो आपको लोग बता रहे हैं कि आपने ये कहना है, क्या उसमें आपको लम्हे मिलते हैं कि जब आपने उसको एडिट भी करना है, आपने कहना नहीं ये सही नहीं है, तो ये मुश्किल नहीं है कि अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है? जी, वो आपका एक्चुअली वो उस टॉक बैक के साथ, एक तो वो इतनी इरिटेटिंग चीज़ होती है और उस टॉक बैक के साथ आपका थॉट प्रोसेस इतना तेज़ हो जाता है, इतना तेज़ हो जाता है, फिर सब कहेंगे मैं यही कह जा रही हूँ, इसने मुझे बड़ा नुकसान भी पहुँचाया है। आपको पता है सोते हुए मुझे लगता है मैं सोच रही हूँ, क्योंकि वो मुझे कंटिन्यूस आदत पड़ गई है, अच्छा कल क्या होना है ये मतलब वो आदत पड़ गई है, किसी से बात कर रही हूँ तो ये कैमरे के लिए ज़्यादा बेहतर है, ये रेटिंग के लिए ओफ बहुत मुश्किल तो वो इतनी सो अब डैमेज जो है वो दोबारा बेहतर हो रहा है बेहतर हो रहा है ओके।
सो अब आप यहाँ हैं इस वक्त जी, इस नए रिलेशनशिप में जी, जो आपके नया साथी है जी, अब कैसे आप हील कैसे हो, क्या हील कर गए हो, उन्होंने आपको समझा है? जी 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 जी, बहुत हद तक ऐसा नहीं था कि पिछली रिलेशनशिप हमारी जो गुजर जाती है वो कोई बुरी थी या वहाँ समझा नहीं गया था। ये तो उस रिलेशनशिप में जो दो लोग होते हैं कोई तीसरा नहीं जान सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद हर दो अच्छे लोगों के भी कभी नहीं बन पाती, और ऐसा ही हुआ था कि मेरे जो एक्स हस्बैंड थे और मरहूम हैं, वो बहुत अच्छे इंसान थे और वो बहुत अच्छे बाप थे, बेहतरीन बाप, लेकिन दो अच्छे लोग, मैं भी थोड़ी सी बेहतर होंगी, वो बहुत अच्छे होंगे, मैं थोड़ी सी अच्छी होंगी, तो दो अच्छे लोग भी नहीं चल पाते कभी साथ। कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें शायद मेरी गलती भी होगी और वहाँ से भी थोड़ी बहुत गलती हुई होगी। आप उसको गलती नहीं कह सकते, आई थिंक इंसान ग्रो करते हैं, आप इंसान बदल रहे होते हैं, इंसान यू नो आपका जो काम है, आपका एक्सपोजर है, उसमें आप सीख रही थी बहुत कुछ। तो ये मुश्किल होता है लोगों के लिए समझना कि ख्वातीन ग्रो करती हैं, मर्द भी ग्रो करते हैं, मगर कुछ मर्द ग्रो नहीं करते, औरतें ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं। एंड आई थिंक वो फिर बैलेंस नहीं रहता, क्योंकि वो बैलेंस है ना, वो जो आपकी आप दोनों के जो हम आहंगी जिसको हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी, वो दोनों की ग्रोथ जब साथ साथ होती है तो रिलेशनशिप देर तक चलता है। लेकिन जब दोनों साथ साथ ग्रो नहीं करते और एक थोड़ा पीछे रह जाता है और एक ज्यादा ग्रो कर पीछे में भी मर्द या औरत, तो वो रिलेशनशिप जो है ना वो नहीं चल पाता जी। तो इट्स ओके, और लोगों को ये आई थिंक इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि अगर एक औरत ग्रो कर रही है और समझ आ गई उसको ज्यादा, या उसमें एक नई डेवलपमेंट हुई है और दूसरे में नहीं हुई है, तो इफ शी वॉन्ट्स टू गो अवे इट्स ओके, है ना, इट्स ओके। और आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में ज़िंदगी में ये कि इंसान खुद से सच बोले जी, खुद से सच बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो ही वाज अ लवली पर्सन, आपने कहा बेहतरीन वो बाप थे बेशक, लेकिन आप लोग दोनों ग्रो कर रहे थे और उस ग्रोथ में कभी आप बहुत करीब आ जाते हैं और कभी थोड़ा दूर चले जाते हैं जी जी, यू नो। अब दूसरे जो उनका नाम क्या है, अदनान के बारे में बताइए कि दिस वॉज A new beginning. जी बिल्कुल, entirely new. और दान मेरे कज़न हैं और बचपन में हम साथ खेले हैं, और साथ खेले भी नहीं वो, बल्कि एक डिफरेंट बच्चा था, हम सारे कज़न साथ खेल रहे होते थे और वो साइड में बैठते थे, खामोश वाले बच्चे हैं वो, अब तक वैसे ही हैं। अच्छा, आपकी तरह ऑब्जर्व करते थे। हाँ, लेकिन मैं तो फिर भी कज़न्स में मिंगल हो जाती थी ना, खेल रहे हैं सारे बच्चे और वो साइड में बैठते थे, वो अलग थलग रहते थे ज़्यादातर, तो और कभी सोचा भी नहीं था। और हम ऐसे दोस्त थे जैसे कज़न्स आपस में बात कर रहे हैं और बोल के, मैं लड़कियाँ देख रही होती थी यार शादी करा दो यार शादी, वो लोग साउथ अफ्रीका चले गए थे तो वहाँ वही के लड़की मिल जाए पाकिस्तानी लड़की, और मैं कहती थी कि अच्छा देखेंगे देखेंगे, और मेरे जहन में मिल के मैंने अपनी कई फ्रेंड्स हैं और हम लोग हंसते हैं बैठ के, तो मैं कहती थी यार तुम ना मेरे कज़न से शादी कर लो बहुत अच्छा है देखो। और फिर देखें अल्लाह ने ना हर चीज़ कहीं ना कहीं कैसे किस तरह से होना था, ये किस तरह क्या होना था, जब ये मेरे चचा ने सजेस्ट की चीज़ और मेरे अब्बा ने, तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, मतलब एक ऐसा कज़न जिसके लिए मैं खुद लड़कियां देख रही हूँ, और ही वॉज़ नेवर मैरिड, तो मैं कहती थी कि हाँ तुम्हारी थोड़ी एज हो गई है बट ठीक है मिल जाएगी लड़की, बंदे की एज का कुछ नहीं है, हम ये वाली बातें कर रहे होते थे। और वो मुझे सारे बता रहे होते थे कि अब मैं बड़े ताने देती हूँ कि अच्छा वो मेरी फलां एक रिलेशन थी तो ये, सो वो सारी कहानियाँ मुझे मालूम थी। और एक जब भाई ऐसी चीज़ आई तो हम दोनों ही वो हो गए कि ये क्या, यहाँ मुझे आसानी एक बहुत होगी कि मेरे बच्चों को तो मिले थे, हाँ मिले हुए थे, पल भर उसके सामने सारे रहे थे, तो इतना मुझे मुश्किल नहीं हुआ। मुझे बहुत जब ये इस तरह बोला गया मुझसे, एक तो ज़ाहिर चचा और मेरे अब्बा ने बोला मुझसे, और मुझे लगा कि शायद बच्चों के लिए ये चीज़ कम्फर्टेबल होगी थोड़ी, बजाय ये कि एक बिल्कुल डिफरेंट सेटअप हो और अननोन हो। बिल्कुल, तो मुझे लगा और ऐसे ही हुआ,
और फिर मुझे अब लगता है कि मैंने शायद ज़िंदगी में कोई एक अच्छा काम किया होगा जिसके बदले में मेरे साथ ये हुआ है, जिसका मुझे अल्लाह ने सिला दिया है वो कपल्स। अदनान इतने अच्छे हैं कि मैं खुद हैरान होती हूँ कि मेरे साथ कैसे हुआ है। इतनी अच्छी हार्मनी है हमारी, हम दोनों की और बच्चों की, और हमारी जिस तरह से एक टीम है हम पांच लोगों की, तो बल्कि अब मैं हिटलर हूँ और वो चारों एक तरफ होते हैं। तो अब बच्चे कितने बड़े हो गए हैं? बच्चे माशाल्लाह मेरे मेरा जो बड़ा बेटा है तो अब हो जाएंगे 21 साल के। अच्छा माशाल्लाह। जी 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 जी। और बेटी भी दरमियान में है? बेटी नहीं, बेटी सबसे छोटी है। अच्छा। और फिर बेटे हैं मेरे, दो बेटे हैं और फिर बेटी है। दो बेटे। तो आप अब आपका रिलेशनशिप कैसा है बच्चों के साथ? हाँ, मुझे तो ये लोग हिटलर ही कहते हैं कि थोड़ा, मतलब मैं सख्त होती हूँ क्योंकि अदनान बहुत लीनियंट है। अच्छा। बहुत उनका बहुत अच्छा है, बल्कि ये लोग मुझसे बातें छुपा जब मुझसे कुछ छुपानी होती है ना तो फिर अदनानों से बात हो जाती है। अच्छा। लेकिन मुझसे भी आई थिंक मैंने फिर जब मुझे टाइम मिला, हाँ। फिर वही होता है, हम घूम फिर के मॉर्निंग शो पे आते, जब मुझे टाइम मिला ना तो मैंने अपने और बच्चों की रिलेशन पे मेहनत की, क्योंकि वो एक ऐसी लाइफ थी जिसमें सोचे मैं एक हाथ से सीरियल खिला रही हूँ, खाएं बेटा खाएं, और यहाँ से मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, हाँ बेटा एक नुकमा, और हाँ एक अजीब सी लाइफ थी। अच्छा आपने होमवर्क कर लिया, फ़ोन पर, हाँ हाँ, अच्छा परसों हमारी रेटिंग क्या आई है, अच्छा हाँ आपने मेरा होमवर्क, तो मैं ना उनको मिल पाती थी ना मैं इधर 100% हो पाती थी, तो मुझे फीलिंग आनी शुरू की थी मैं क्या कर रही हूँ, हो क्या रहा है मेरी, यहाँ भी जो मेरा सबसे बड़ा सरमाया है, जो मेरा मतलब मैं बच्चों को भी नहीं अवेलेबल हूँ, और मैं कर क्या रही हूँ। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी बच्चों के साथ तो? जी 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 जी, बहुत। वो मेरे साल कैसे गुजरे हैं मुझे समझ में नहीं आ, मुझे याद है मैं वो फ्रॉक्स और वो जो चीज़ें हम पहनते हैं, हम ज़ाहिर टिपिकल हमारा मॉर्निंग शो में मुख्तलिफ इवेंट्स होते थे, तो मैं हील्स हटाती थी और जॉगर्स पहनती थी और फिर बच्चों को लेने स्कूल में, तो मेरे बच्चे कई दफ़ा एम्बेरस भी होते थे। एक दफ़ा पता नहीं मैंने कोई रेड लिपस्टिक पे शो किया क्या, तो मेरी रेड लिपस्टिक लगी हुई थी, तो मैं अपनी बेटी को लेने चली गई, चली तो गई, मेरी बेटी साहब छोटी सी थी, तो आप रेड लिपस्टिक क्यों, आपको क्या हो गया, आप रेड लिपस्टिक लगा के मेरे शो, मेरे सॉरी शो कह रही हूँ, आप रेड लिपस्टिक लगा के मेरे स्कूल आ गई। तो बच्चे माइंड करते हैं ऐसी चीज़ों को, और वो फिर पता नहीं बच्चों के लिए क्या था वो, आप मम्स के सामने बीच में नहीं बोलेगा आप मॉर्निंग शो करती हैं, क्यों इतनी डिमीनिंग बात है कोई। बच्चों को लगता था यार अन्ना आप क्या शादियाँ कराती रहती हैं, लेकिन वो तो मैं आपको ये बताई थी कि वो दौर इतनी तेज़ी से गुजरा कि मैंने बच्चों को जितना वक्त देना चाहिए था, जितनी मेहनत उनके और अपने रिश्ते पे करनी चाहिए थी, वो दिया नहीं। जबकि मेरे बच्चे कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, अब मैं पीछे भागती हूँ तो वो कहते हैं प्लीज़ हमें अपना टाइम दे दें, सो हमें दे देते। तो आइस कैसे ब्रेक की, क्योंकि वो बच्चों की हो जाती है ना कि हाँ ठीक है, वो जब टीनेजर होते हैं काम किया और फिर उनको भी समझ में आना शुरू हुआ कि ये फली अन्ना तो कुछ डिफरेंट हैं, कुछ कूल मामा हो गई हैं, कूल हो गई हैं ना, और हाउस मामा भी हो गई हैं। हाँ, हमें भी एक हाउस मामा चाहिए होती है ना। अच्छा लगता है मुझे अब, मेरा सुबह पूछता है, जब तो एक वक्त था कि मैं उसको फ़ोन पे ब्रेक होती थी और मैं ब्रेक में बताती थी ये बनाइएगा ये बनाइएगा ये बनाइएगा, और वो कहता था बाजी ये वाली चीज़ नहीं है, तो मैं कहती थी अच्छा, फिर मैं ड्राइवर को कॉल करती थी, वो कह रहा है ये वाली चीज़ नहीं है तो आप लें, तो मैं इसी उसमें थी ना, मतलब एक अजीब। और अब मुझे सुबह को सोचने का टाइम मिलता है, जब बच्चे जा रहे होते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप क्या खाएंगे आज, और फिर उस पर हम बात करते हैं, चलो कल परसों फायज की पसंद का था तो आज ईमान की पसंद का बना लेते हैं। तो आप खाना बनाते हो? चीज़ नहीं, मुझे खाना नहीं बनाती, मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है खाना। अच्छा। किचन से नहीं है इंटरेस्ट, खाने से बनाने से नहीं है। मगर आप रेसिपी बुक्स वगैरह खरीदते हो कि नहीं? कुकिंग बुक्स नहीं खरीदते? नहीं नहीं, मैं बुक्स वैसे बहुत खरीदती हूँ, लेकिन क्या पढ़ते हो? मोटिवेशनल बुक्स, लाइफ स्टोरीज। अच्छा जी, बहुत बहुत, उसमें कहीं मुझे अपना आप छोटा सा नज़र आता है। मैं पढ़ती थी शुरू में, मुझे याद है मेरी अम्मा एक बुक पढ़ती थी, मेरे किसी ने उनको ला के दी, तो वो 100 मिरेकल्स ऑफ लाइफ पढ़ रही थी, तो मैं वो छोटी सी, मैंने जब वो बुक उठाई मैंने कहा
बड़ी अच्छी है, फिर मैंने पढ़ी तो मुझे उस बुक से मैंने किताबें पढ़नी शुरू की थी और बस फिर किताबों की आदत, मैंने अपनी आदत एक्चुअली वो कहते हैं ना फर्स्ट यू मेक योर हैबिट्स एंड देन योर हैबिट्स मेक यू, तो मैंने बुक पढ़ने की आदत मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मेरे अब्बा बहुत बुक्स पढ़ते हैं, मेरी अम्मा भी बहुत, ये लोग किताबी वाले बहुत, हमारे घर बहुत तो नहीं, छोटी अब्बा की लाइब्रेरी है जिसमें कोई 3,000 के करीब किताब है, वो उर्दू पढ़ते थे और मुझे उर्दू पढ़ना बहुत अच्छी लगती हैं बुक्स, तो फिर वो सारी चीज़ें चेंज हुई। लेकिन मुझे अब भी वो अब्बा से किताबें लेके चाहे मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं अपने रूम में बैठ जाऊँ उस किताब को लेके और मैं किताब मेरे सामने होती है, टाइम ज़्यादा नहीं मिलता लेकिन मुझे ये मुझे पढ़नी है, ये मुझे पढ़नी है। माफ़ कर देते हो? जी जी बिल्कुल, आसानी से, बहुत आसानी से माफ़ी भी मांग लेते हो? मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ आसानी से। तो कौन सी किताब पढ़ी है जो बार बार पढ़ते हो, खोल के उसको पढ़ना अच्छा लगता है? आजकल तो मैं मिशेल ओबामा पढ़ी थी अच्छा। लेकिन जी, लेकिन वैसे मुझे मोटिवेशनल बुक्स बहुत अच्छी लगती है। वो तो उसके अलावा जो नॉवेल या कोई किताब जो उर्दू की आप कहते हो क्या? जी जी, अब्बा की, अब्बा तो बहुत सारी, बहुत सारा पढ़ते हैं वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ को पढ़ते हैं, उनको सफ़रनामे बहुत अच्छे लगते हैं। और आपको? मैंने भी बहुत पढ़े हैं लेकिन क्या बहुत नहीं पढ़े, नॉवेल पढ़ते लेकिन कुछ पढ़े हैं सफ़रनामे। और उबैद, हाँ, आपको सफ़रनामे पसंद है या आपने कहा ना बायोग्राफीज पसंद है? जी जी, लोगों की कहानी। उसमें किस शख्स की कहानी आपको अच्छा लगता है बार बार पढ़ना? नेल्सन मंडेला। अच्छा, हाँ, मुझे बड़ा, मेरे लिए एक बड़ा, आप इंस्पायर होते हैं। हाँ, जी 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 बिल्कुल। और इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें, बल्कि मैं भूल भी, मेरी मेमोरी हाँ। भी बड़ी कोई वो रह गई है हाँ। लेकिन मैं भूलती भी हूँ, फिर जब मैं किताब दोबारा देखती हूँ, पढ़नी शुरू करती हूँ, जब ये याद होता है। अपने आप को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हाँ। उन बुक से छोटी छोटी चीज़ें याद रह जाती हैं। अपने आप को पहली किताब क्या गिफ्ट दी थी, तोहफा जो अपने लिए खरीदी थी खुद? ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन आई एम श्योर मुझे जो मैंने कहा ना बचपन वाले मैगजीन्स, नौने हाल और इस तरह की जो जितनी बच्चों की दुनिया और इस तरह की जो मैगजीन्स होती थी बड़ी मुझे अट्रैक्ट करती थी और मैं उसे निकाल निकाल के पढ़ती थी। और वो हकीम सईद को जो बच्चे खत लिखते थे हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने भी बड़े लेटर लिखे हैं और छपे जवाब, हाँ छपे अच्छा। जवाब भी आता था तो छपते थे तो बड़ी कोई खुशी होती थी। एक दफ़ा एक लेटर छपा हाँ। छपते तो नहीं थे, एक ही दफ़ा छपा था लेकिन वो बहुत, और दिखा दिखा के मुझे हर एक को बताती थी कि मेरा लेटर आया। अब लिखोगे अपनी ऑटोबायोग्राफी? बड़ा चाहता है कि आई थिंक लिखनी चाहिए, तो कौन पढ़ेगा, क्यों नहीं पढ़ेगा बायोग्राफी, लेकिन क्योंकि एक बहुत ही अमेजिंग सफ़र है शाइस्ता। ये तो लोगों के लिए बहुत आई थिंक इंस्पायरिंग होगा। लोग चाहेंगे कि एक शख्स किस तरह अपनी ज़िंदगी बनाती है, किस तरह उसको आगे लेके चलती है, किन किन मराहल से गुजरती है, कितनी किस तरह से स्ट्रांग होती है। कोई आम ज़िंदगी नहीं है आपकी शाइस्ता जी, लेकिन आप कह रही हैं कि मैं आम सी हूं, मैं नहीं हूं। मुझे हालात ने, चीज़ों ने, आई थिंक मुझे अपने ऊपर, मतलब ये मेरी नेचर शायद बन चुकी है मैं, कि मुझे ना मेरी, मैंने जब से अपनी मैं ख़त्म की ना तो मैं अपने लिए बहुत माइनस हो गई और मुझे अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है। मैं कहीं तो मैं इसलिए अपना कुछ लिखना, आप गौर करें कभी अगर मुझे, मैं हमेशा से ऐसी थी, मुझे लोगों ने कहा कि जब भी हम मॉर्निंग शो करते थे तो अपने नाम पर लोग रखते हैं ना फलां मॉर्निंग शो, मैंने, मेरा आज तक कभी मॉर्निंग शो मेरे नाम से नहीं आया क्योंकि मैंने, मुझे शर्म आती है। मैं अभी भी वही शायद बच्ची हूँ और मैं वैसे रहना चाहती हूँ। लेकिन शाइस्ता ये इसी तरह होगा जैसे आपने डायरी लिखी थी, ये आप अपने आप से ही तो बात कर रही होंगी। उन डायरीज ने मेरी हेल्प बड़ी की थी लेकिन मैं कुछ साल पहले लिखना छोड़ चुकी हूँ उनको। नहीं, आई थिंक ये बहुत अच्छा रहेगा। एक तो आई थिंक लोग बहुत सीखेंगे क्योंकि लोग इंसानों की, जैसे आपने भी सीखा है ना, लोगों की सवाने उम्री पढ़कर, उनके बारे में किताबें पढ़कर, आपने खुद सीखा है। तो आई थिंक हमारे यहाँ जो एक ट्रेडिशन नहीं है, हमारा रिवाज नहीं है कि लोग अपने बारे में लिखें, आई थिंक ज़रूरी है कि लोग लिखें। और आपका भी लिखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप जैसे कह रही हैं मैं आमसी हूँ, नहीं है, आप ख़ास हैं, आप ख़ास हैं, तभी तो आपने इतना काम किया।
आज कहाँ खड़े हो आप? पीछे मुड़ के देखते हो तो कैसा लगता है? आई थिंक मुझे तो अपनी ज़िंदगी का हर नया दिन जो है वो कल से बेहतर लगता है. अच्छा. हर हवाले से. तो लेकिन मुझे लगता है मैंने बहुत जल्दी में ज़िंदगी गुजार दी. बहुत तेज़ तेज़ तेज़. अब आप धीरे धीरे गुजारना चाहते हैं. लम्हा बा लम्हा हर लम्हे को जीना चाहती हूँ. अच्छा. अब मैं सोचना समझना मतलब अब मैं काम होकर लाइफ गुजारना चाहती हूँ. मैंने बहुत जल्दी की वो पता ही नहीं चला. और इसी के साथ बच्चे भी बड़े होते गए, चीज़ें होती गई, बहुत जल्दी जल्दी हो गई सारी. तो अब क्या लिस्ट बनाई है कि मैंने ये 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 सब करना है? अब नहीं कर पाई. कुछ सालों बाद ट्रैवल करना है. अच्छा. ट्रैवल करना है और आई थिंक अपने हस्बैंड के साथ बहुत सारा टाइम गुजारना है. उनको किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं है लेकिन मैं लगा दूँगी. तो ये मुझे अच्छा लगता है जब मेरी मेरी अम्मा अबा एक किताब को डिस्कस कर रहे होते हैं. एक म्यूचुअल हॉबी है ना, तो कोई कोई हवाला होता है बात करने हाँ. का. वरना तो आपको बहुत बोर सी बात लगने लगे ना, क्या रोग. तो वो टॉपिक होता है आपके पास बात करने का. बेग साहब ने किताब में ये लिखा है ना. अताउल हक कासमी साहब ने ये लिखा है. अच्छा वो जो किताब थी ना वो ज़्यादा इससे बेहतर है. इसमें कोई नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं. तो ये बातें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं. आपने 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ी है? नहीं मैंने नहीं पढ़ी. मैं पढ़ना ज़रूर चाहती हूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी ट्राई करती हूँ वो मैं पढ़ नहीं पाती. नई किताब कोई आती है तो मैं वो उसकी तरफ लग जाती हूँ. ओके बस चलो. आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको वो गिफ्ट दूँगी. रियली? हाँ आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है पढ़ना. वो बहुत आपको ना एक और आई थिंक जी रिव्यूज पढ़े हैं मैंने. एक जगह ले जाती है वो आपको किताब. मैं नहीं बताऊँगी वो क्या है. है ना. आई गिव यू अ प्रेजेंट. ठीक है. ये मेरा वादा. ठीक है ठीक है ठीक. आप गुस्सा होते हो? कभी गुस्सा आता है बहुत ज़ोर का? अब नहीं आता लेकिन आता था. हाँ लेकिन अब मैंने कंट्रोल करना. किस बात पे बहुत गुस्सा आता है? मुझे ना मैं खुद झूठ बोलना मैं अवॉइड करती हूँ. अच्छा. मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं बोलती लेकिन मुझसे जब झूठ बोला जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता. फिर मेरा मेरा टेस्ट बहुत ख़राब होता है. फिर मुझे डाउट होने लगता है ना सामने वाले पे. तो इसलिए मैं चाहती हूँ मैं प्योर हूँ, मैं साफ बात करूँ तो मुझसे भी सामने वाला माफ कर देते हो? जी जी बिल्कुल. आसानी से? बहुत आसानी से. माफ़ी भी मांग लेते हो? मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ आसानी से. अब मांग लेती हूँ, ज़्यादा आसानी थे लेकिन एक टाइम होता है जब मैं माफ़ी क्यों मांगूँ. अब नहीं बिल्कुल भी नहीं. अब तो बल्कि मुझे दिल चाहता है कि पहल मैं कर दूँ माफ़ी में, क्योंकि फिर मुझे भी अच्छा लगेगा ना. उसको भी अच्छा लगेगा कि मैंने माफ़ी मांग ली. तो मैं किसी को खुश कर दूंगी तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं. किस बात से बहुत खुश होते हैं? मैं आपको बताऊं जब मैं अब मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं और मैं उनके चेहरे पे खुशी देखती हूँ. हालांकि मैं एस्थेटिक्स करती हूँ मैं और एक एस्थेटिक फिजिशियन के लिए किसी भी डॉक्टर के लिए लेकिन मैं पर्टिकुलरली एस्थेटिक फिजिशियन के लिए जब वो अपना अपने काम से अपने पेशेंट को मुतमईन होते देखता है ना और फिर मैं वो फिर बात ऐसी हो जाएगी जब माएँ रोती हैं ना आपने बहुत अच्छा किया मेरी मतलब थैंक यू करती हैं जब वो तो मुझे इतना डर लगता है. और मैं अम्मी से जब कह के आती हूँ रोज़ाना ना क्लिनिक जा रही थी तो मैं अम्मी से ये नहीं कहती तो वो अम्मी से मैं ये कहती हूँ कि बस आप ये दुआ कीजिएगा कि मेरे हाथ में शफा दे अल्लाह लोगों के लिए. क्योंकि ये वो जो एहसास है उससे बड़ा कोई एहसास नहीं है. उससे बड़ा कि आपने किसी को खुशी दे दी है आपकी वजह से. अल्लाह ने आपको वसीला एक वसीला बना दिया, एक सोर्स बना दी कि किसी दूसरे को आप खुश कर सकें या किसी दूसरे को आप शफा दे सकें. इससे बड़ी मुझे आजकल तो सबसे ज़्यादा यही खुशी होती है. कभी रोए? बहुत दफ़ा. रोना एक एक्सप्रेशन है और मुझे तो जब रोना होता है मैं रो लेती हूँ. और किस बात से दुख होता है? मैं ना रिश्तों में एक्सप्लेन नहीं करती चीज़ें. वो आपने मुझे बताया. तो जब मुझे सामने से गलत समझा जा रहा होता है या डाउट किया जा रहा होता है ना तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये ज्यादती हो रही है. तो मैं तब मुझे लाइक इट इज़ हर्टफुल.
एवरी टाइम इट इज हर्टफुल. तो कैसे अपने आप को फिर उस तकलीफ से, उस दुख से निकालते हो, क्या कहते हो अपने आप को? नहीं, फिर मैं कहती हूँ, वो मेरा ना हर एक की जर्नी है, वो जो ये वाली जर्नी है ना, वो हर एक की है. मतलब आपकी जर्नी एक अलग होगी, मेरी जर्नी अलग. ये तो एक खूबसूरत लव स्टोरी है ना. तो जब से मेरा वो, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं कनेक्शन कोई, तो फिर मुझे होता है उसमें, मुझे इतना इजी मैं हो जाती हूँ कि वक्त के साथ आज नहीं तो थोड़े दिन बाद समझ में आ जाएंगे. सो इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी इंटेंशन गलत नहीं हो रही होती ना कहीं. जब मुझे ये होता है कि मेरी तो इंटेंशन गलत नहीं थी, ये क्यों हुआ, तो मैं सोचती हूँ फिर अब वक्त के साथ कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए बुरा समझने दो, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा. अब नहीं तो थोड़े दिन बाद, मुझे कोई जल्दी नहीं है. जिंदगी क्या है? जिंदगी बहुत, जिंदगी पॉजिटिविटी है. नेगेटिविटी की जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए तो ये मीनिंग है. एक पॉजिटिव चीज़ जो दूसरी पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करती है, और ये चेन चलती रहती है. द मोमेंट यू गो रॉन्ग और द मोमेंट यू गो नेगेटिव, देन सेम थिंग विल हैपन एंड इट विल बी अ चेन देन. तो मैं वो आने ही नहीं देती, मैं आने ही नहीं देती. मैंने एक स्कॉलर हैं, उनका एक दफ़ा कहीं मैं गई और मैंने अटेंड किया, तो उन्होंने इतनी प्यारी बात की कुछ हवालों से, तो वो मुझे इतनी अच्छी लगी. उन्होंने कहा कि वो मैं रेफरेंस यहाँ नहीं दूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि गुमान अच्छा रखो, चीज़ें अच्छी होंगी, और अपने दिल को किसी से बुरा नहीं करो. तो समीना जी, लिटरली मेरी लाइफ ने इतना टर्न लिया है, क्योंकि मुझे, मैं पहले भी नहीं सोचती थी, लेकिन फिर भी कभी इंसान होना फरिश्ता तो नहीं हूँ, सोच जहन में आती थी कि कहीं बुराई की या किसी के लिए कभी नहीं यार, इसकी नीयत ऐसी नहीं होगी है, तो मुझे डाउट होता था. अब मुझे नहीं होता, अब मैं इतनी काम हो गई हूँ और आई थिंक पॉजिटिव इतनी हो गई हूँ कि मुझे लगता है कि कोई चीज़ गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है. मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है, और मुझे मैं हर एक के लिए अच्छा, मतलब मुझे सोचना है, ये मैंने अपने आप को ट्यून किया है, ट्रेन किया है. सो मेरा अब जो सॉफ्टवेयर है ना, वो अपडेट ऐसे हो गया है कि गलत नहीं सोचना. सो मैं किसी के लिए भी नहीं गलत सोचती. वो अगर सामने वाला कोई ऐसी बात कर रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी अपनी लाइफ है, उसका अपना एक, उसने, उसकी ज़िंदगी है, मैं उसके स्फेयर में नहीं जा सकती और जाना भी नहीं चाहिए. ठीक है. और मौत क्या है? आई थिंक मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं डर लगता. मैं इतनी कंटेंट हूँ, और ये वाला जो फेज़ है ना दुनिया का, इस फेज़ से जब हम आगे जाएंगे तो क्या होगा, वो कैसी लाइफ होगी, वो भी तो एक जानने वाली चीज़ें होंगी ना. तो मुझे डर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, डर नहीं होता मौत का डर मुझे. मतलब मैं रेडी हूँ, अगर अभी तो अभी ठीक है. ये मैं नहीं पीछे सोचती कि उसका क्या होगा, तो उसका सबका सब होना है, क्योंकि मैं कोई इंस्पेक्टर किसी की कहीं पुलिसमैन तो नहीं लगी हुई ना, तो मैं कोई दरोगा नहीं हूँ. सबके साथ अच्छा होगा, चाहे वो मेरे माँ बाप हों, बच्चे हों, दोस्त हों, हस्बैंड हो. आई एम रेडी, कभी भी कहीं भी कुछ नहीं, मुझे डर नहीं है बिल्कुल भी. क्योंकि आपको यकीन है ना कि एक और सुपर पावर है. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. और जो लार्जर डिज़ाइन है उसका, हाँ, एक, और हाँ. ये आप देखिए, ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी कितनी खूबसूरत है. आप देखिए, आपको दुनिया का हर, मतलब हमारे रिश्ते कितने सारे हैं, कितने प्यारे हैं ना, मगर उसके बावजूद भी एक हम है और एक वो है. तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अच्छा फिर आप तो देख रहे हैं ना, तो बस फिर आप जब हवाले कर देते हैं तो फिर सब सही है, फिर आप बहुत मौजें हो जाती हैं. थैंक यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया. मुझे थैंक यू सो मच, प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा. मुझे भी अच्छा लगा, और मैंने आपके बहुत सारे ईपीज देखे हैं,
और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. थैंक यू. आप जीती रहें, खुश रहें, इसी तरह खुश रहें. थैंक यू. और ये जो आपका सिलसिला है ये बंधा रहे.